हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल हाउस किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बनाएंगे ओट से। तो आप देख सकते हैं हमारा ओट का हलवा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही हेल्दी और सिंपल है। तो आइए रेसिपी देखते हैं। ओट का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप ओट लिया है और जिसे हम मीडियम हीट पर इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक आप इसे चलाते रहें और मीडियम हीट पर ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसे ठंडा करके हमें इसे ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लेना है। साथ में मैं यहाँ पर इसके साथ पीनट यूज़ कर रही हूँ जिसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है मूंगफली के साथ। तो साथ में मैंने यहाँ पर आधा कप मूंगफली, इसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हमें छिलका निकाल कर इसे भी पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। अगर आप पीनट नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर इसकी जगह आप आलमंड ले सकते हैं, उसे आप सिंपली पाउडर बना लें और ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। आप पीनट या आलमंड किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़ा चम्मच घी लिया है। आप घी की मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे ओट का जो हमने पाउडर बना करके रखा हुआ है, रोस्टेड ओट को का पाउडर इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा इस समय मीडियम पर हीट पर होना चाहिए। इसे हमें बस अच्छी तरह से एक बार घी में मिला लेना है और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप सूजी, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं या आप सिंपली सिर्फ ओट का हलवा बनाएं, बिल्कुल सही बनता है किसी भी तरह से। सूजी डालने से ये थोड़ा सा दानेदार होता है और इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। और मैं कभी सूजी डालती हूँ, कभी आटा डालती हूँ या कभी सिर्फ ओट के साथ बनाती हूँ। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हों वैसे आप इसे बना सकते हैं। और सूजी के साथ ओट को हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करना है। आप इसे मीडियम हीट पर कंटिन्यूस चलाते रहें और अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लें 5 से 6 मिनट तक। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पीनट पाउडर। हमने जो पीनट पाउडर बनाकर रखा था उसे हम 1/2 कप पीनट पाउडर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप आलमंड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को एक मिनट तक लगभग अच्छी तरह से मिला लेंगे, जस्ट कि इसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेजन्स ऐड कर रही हूँ जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पर नट्स भी डाल सकते हैं इसमें में, और भी कोई भी नट्स आपको पसंद है उसे आप छोटे छोटे पीसेस में काट करके डाल सकते हैं। और मीठे के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप जैगरी लिया है, और जो कि हल्का मीठा, हमारा हलवा हल्का मीठा होगा। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा जैगरी ऐड कर सकते हैं। और लगभग 1/2 टीस्पून मैंने फ्रेश इलायची पाउडर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे कुक करना है जैगरी के साथ, ताकि हमारा जैगरी भी थोड़ा हीट से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप मिल्क लिया है और उसे डालकर हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसके जो लम्प्स हैं उसे ब्रेक करते रहेंगे और बहुत ही जल्दी हमारा हलवा अपने शेप में आ जाता है। जब बहुत ही आसानी से जो हमारा ओट है, सूजी है, वो मिल्क को सोक कर लेता है और बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, हल्का मीठा है, आप इसे जितना मीठा बनाने चाहें उतना बना सकते हैं। बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, कुछ मीठा खाने का मन करता है उसके लिए ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी ढेरों रेसिपीज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं, सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं हमारा हलवा का टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाता है। और इसे आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर लें और नहीं तो आप इसे बेकिंग टिन या किसी प्लेट में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसे सेट भी कर सकते हैं। मैं इसे प्रेफर करती हूँ सेट करना, ताकि ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है और वो पीसेस ऐसे हाथ में उठाकर खा लेते हैं आसानी से। तो आप सिंपली एक बेकिंग ट्रे या टिन में या प्लेट में आप इसे ग्रीस कर लें और इसे सेट करके ऊपर से अच्छी तरह से सेट कर लें। आप इसे चाहें तो कुछ नट्स से डेकोरेट भी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारे साथ अपना कमेंट शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।